फ्रेम सही है। देखिए उत्तर प्रदेश में बसों के मामले में जब प्रियंका गांधी जी ने खुद ने ट्वीट किया और ये कहा कि पूरे देश का मजदूर बहुत बड़ी तादाद में पैदल चल रहा है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, प्रियंका गांधी जी को चिंता की, उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम बसें देना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको बसें आप लेकर आइए, हम आपको बसों की अनुमति देंगे। उन्होंने बसें कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि पहले सोनिया गांधी जी ने कहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने जो बसें इकट्ठा की अपनी तरफ से पार्टी से पैसे दिए, वो लगभग 1000 बसें यूपी बॉर्डर की अलग अलग जगह पर खड़ी हुई। उसके बाद आज सुबह से तो कमाल कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले कहते हैं आप बसें भेज दीजिए हम अनुमति देंगे, उसके बाद कहते हैं कि साहब इनके पास फिटनेस नहीं है, इनके पास लाइसेंस की कमी है, इनके पास परमिट नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भारत सरकार के कानून का ही पता नहीं है, वो भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये आदेश मेरा नहीं है, मैं आपको आदेश की कॉपी दूंगा, भारत सरकार के परिवहन मंत्री के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे राज्यों में पूरे देश में आपको पता है 30 मार्च को एक आदेश जारी हुआ और उस आदेश के जरिए उन्होंने ये कहा भारत सरकार ने कि 1 फरवरी तक जो भी फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गए वो सब 30 जून तक बस का ड्राइविंग लाइसेंस, बसों की फिटनेस, कार की फिटनेस, किसी भी गाड़ी की फिटनेस, परिवहन को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वो 1 फरवरी तक खत्म हो गया तो 30 जून तक मान्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनके डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, और भारत सरकार को करवाना चाहिए। भारत सरकार के आदेश की अवहेलना करने ये कहकर बसें नहीं लेना चाहते और झूठी झूठी बातें लिखते हैं उसमें कि इसमें उसका मोपेड का नंबर दे दिया, उसका दे दिया फिटिंग, और फिर कहते हैं इनकी फिटनेस नहीं है। तो भाई साहब फिटनेस की जरूरत नहीं है, 30 जून तक भारत सरकार के आदेश के अनुसार इस देश में जहां भी बसें चलती है, पैसेंजर बसें, कार, किसी भी तरह की गाड़ियां, किसी का लाइसेंस यदि रद्द हो गया तो 30 जून तक अपने आप ही मान्य हो गया भारत सरकार के आदेश से। या तो योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की सरकार नैतिकता उन्होंने खत्म कर दी, फिर वो गैर कानूनी भाषा बोल रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री के नाते नैतिकता खत्म करके प्रियंका गांधी जी को जवाब देते हैं ट्वीट में कि हम अनुमति दे दें कि आप बसें ले आओ, 3 दिन तक बसें वहां खड़ी रहती है, यदि इन बसों में कुछ नहीं करना था उनको सीधे एक अनुमति देनी थी, ठीक है ये बसें अंदर एंटर होती, रास्ते में जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनको बैठाती और उनके गांव में छोड़ के वापस आ जाती। वो कह रहे हैं आप हमको हैंडओवर कर दो। प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट बसों की मालिक नहीं है हम लोग, और एक भी बस सरकारी हो दिनेश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और यदि वो प्रूव नहीं कर पाए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को जो ये कह रहे हैं इनमें सरकारी बसें, शर्म नहीं आती, आप भी जानते हो एक भी सरकारी बस नहीं है, सारी प्राइवेट बसें हैं। झूठ बोले तो ईमानदारी से तो बोलो, कागज तो देख लो पहले, फिर आगे फिटनेस पे, प्रमाण पत्र पे, परमिट पे। इसका मतलब इस देश में इन सब का जो कारण हुए हालात में उसके लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार है। भारत सरकार सिर्फ नारे देती है, बड़े बड़े नारे देकर, पहले कहा थाली बजाओ, थाली बज गई, थाली में कुछ भी नहीं दिया, ना गेहूं दिया, ना राशन दिया, ना चावल दिया, ना चाय, ना चीनी, ना पत्ती, कुछ नहीं दी, खाली थाली बजवा ली, और बाद में मजदूर जो 2 महीने से पैदल चल रहा है उसका अपमान करते हैं कि 2 महीने का राशन फ्री देंगे। भाई साहब वो तो पैदल चल रहा है, आप यदि ये कहते हैं 1 वर्ष या 2 वर्ष का राशन फ्री देंगे जहां भी मजदूर होगा तब तो समझ में आती। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति आप 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देते हैं प्रति व्यक्ति, पूरे राशन कार्ड जितने भी हैं वो भी FCI के गोदामों में आप ही के बयान पर गेहूं कम नहीं पड़ता। आप खाली थाली बजवाते हो, फिर दिया जलवाते हो, पेट में आग लग रही है, मजदूर एक्सीडेंट में मर रहा है, नंगे पांव चल रहा है। राजस्थान की सरकार से सीखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार श्रमिक बसें चलाती है, कैंप लगाती है, SDM की जिम्मेदारी तय करती है, और हमने ये कहा यदि कोई मजदूर पैदल चलता है उसको लेकर SDM हमारे अधिकारी कैंप में लेकर जाते हैं,
वहाँ बस लगती है, उसको ट्रेन में छोड़ते हैं या बस से वहाँ ट्रेन छोड़ के आते हैं। तो भारत सरकार दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाती और पूरी ट्रेनें चालू कर देती, श्रमिक बसें चलाती हर राज्य को। ये कौन मॉनिटर करेगा? भारत सरकार। हर राज्य को 100 IAS अधिकारियों के नंबर होते हैं दिल्ली से कंट्रोल रूम में। आज अधिकारी परेशान नहीं, वो मजदूर परेशान नहीं होता, रोता नहीं, बिलखता नहीं, मरता नहीं। इन सब मजदूरों की मौत के लिए, मजदूरों के दर्द के लिए, उनकी परेशानी के लिए, उनके आंसुओं के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके सारे लोग जिम्मेदार हैं जो आज भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, वो जाकर फुटपाथ पर बैठते हैं तो बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं। कोरोना के डर से कोई केंद्रीय मंत्री निकल ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री टीवी पर दिखाई देते हैं, निर्मला सीतारमण जी 5 दिन तक 4 दिन तक 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की ऐसे घोषणा करती है जैसे कोई चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रही हो। वो एंड में खोदा पान निकली चुहिया, वो 1,80,000 करोड़ का पैकेज निकलता है और उसमें किसी को कुछ मिलता नहीं है। जिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जमा करा दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, वो सिर्फ 15,000 रुपए भी एक आदमी के खाते में नहीं डालते हैं। मिलता किसी को कुछ नहीं है। कहते हैं आप कर्जदार बन जाओ, हम कर्जा दिला देंगे। भाई साहब, बैंक के प्रॉपर्टी रखने पर कर्जा नहीं दे रही। आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बार केंद्र सरकार की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में केंद्र सरकार फेल हो गई। प्रधानमंत्री मोदी से बहुत बड़ी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री जी से देश की जनता को, प्रधानमंत्री जी खरे नहीं उतरे उम्मीदों पर। ना गरीब को कुछ मिला, ना मजदूर को, ना बेरोजगार को, ना नौजवान को, ना देश की जनता को। विश्वास तोड़ दिया, एक नारे पर थाली भर गई, दिया जल गया लेकिन पेट की आग नहीं बुझी और थाली में किसी को कुछ नहीं मिला। 15 लाख और अच्छे दिन का नारा एक बार फिर बेईमानी साबित हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो नैतिकता खत्म करके धर्म विरोधी काम किया, मजदूर विरोधी काम किया, मानवता विरोधी काम किया, गरीब विरोधी काम किया और पाप कृत्य किया। भारत सरकार के आदेश के बावजूद यह कहकर बसों को रोक दिया कि वह फिटनेस नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है। और भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री है उसी भारत सरकार का आदेश है 30 मार्च का के 1 फरवरी से लेकर जो भी कागज खत्म हो गए 30 जून तक देश में किसी भी बस को, किसी भी वाहन को फिटनेस और परमिट प्रमाण पत्र को, लाइसेंस को लेकर रोका नहीं जा सकता। पूरे देश में कहीं पर भी बाकायदा आदेश जारी किए भारत सरकार ने और प्रवर्तन अधिकारियों को कहा है कि फिटनेस परमिट लाइसेंस जिनकी डेट भी निकल गई है उन सबको 30 जून तक मान्य कर दो। आप ये कहकर पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं? बड़ा पाप कर दिया। आप क्या परीक्षा ले रहे थे? आज जो बसें पहुंच गई। मैं इतना कह सकता हूं राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव का युद्ध नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का टकराव भी नहीं है। इस वक्त लोगों की मदद की जरूरत है और सबसे ज्यादा लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री पहले कहते रहे ना स्टूडेंट को लूंगा ना मजदूर को लूंगा, अब वो गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं मैं मजदूर को भी लूंगा, स्टूडेंट को भी लूंगा, क्योंकि विरोध होने लगा। मध्य प्रदेश में भी ये हालात है। इशू ये नहीं है, इशू सबसे बड़ा एक और है। केंद्र सरकार इस बार मजदूरों के दर्द को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, कहीं टीवी पर नहीं बोले, जो हमेशा मन की बात करते हैं, जो जान की और जहान की बात करते हैं, लेकिन जब मजदूरों का दर्द सड़क पर आ रहा है और जब मजदूर मर रहा है सड़क पर, तब प्रधानमंत्री जी अभी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। केंद्र सरकार का कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा, केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। सर, आपकी श्रमिक बसें जो जा रही है उनमें से किसी को नहीं रोका गया है, केवल कांग्रेस की बसों को रोका गया है, ये क्या लगता है? आपको क्या कारण है कि सरकारी बसों को तो नहीं रोक रहे हैं? अजीत चीज पे एक प्रॉब्लम। पहले दिन जब प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया कि हम बसें देना चाहते हैं, मान लो किसी और राज्य में नहीं थी वहां उन्होंने देने की कही, वो पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मना कर देते, वो बसें वहां लगती नहीं, तो सामने आ गई। बाद में आप फिटनेस बता, आप गलती अपराध पर अपराध आप करते गए तो लगातार अपराध बढ़ता गया। जहां तक राजस्थान की श्रमिक बसों का सवाल है, जहां तक वो हमें परमिट करते हैं हाथ रखकर जा रही है। आज मैंने कोशिश की हरिद्वार में ये रोडवेज की बसें मैं शुरू कर दूं,
लेकिन उसके लिए उत्तराखंड सरकार अभी तैयार नहीं हो रही, इसलिए हरिद्वार की बसें हम नहीं भेज पा रहे। खाजा में परमिट करते हैं भेजते हैं, अभी यूपी में हमारी श्रमिक बसें जा रही है, रोज मजदूरों को लेकर जा रही है। आज भी 500 लोग मजदूरी भी, बाकी लोग भी है उत्तराखंड, हमने हमारी रोडवेज की बसें भेजी तो उत्तराखंड की है, बाकी और की मैं आपको बता दूंगा, बाकी डिटेल हम रोज भेज रहे हैं। वो अपने हिसाब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र नहीं आदेश दे रहा हूँ आपके हाथ, और ये आदेश गलत निकल जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, गलत निकल जाए, और यदि ये सही निकल जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को, यूपी की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे हैं मोपेड़ के नंबर बता, 1000 बसें तो लगी हुई दिख रही है, 567 या 500 बसें तो ऊंचा रंगला पे थी, बाकी अलग अलग जगह थी। मान लो उनको लगता है वो लिस्ट में 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 बसें थी तो वो तो हट जाती, तभी तो लिस्ट मांगी जाती है, तो बाकी तो फिजिकली खरीद थी, कागज तो कहीं भारत सरकार कह रही है जरूरत ही नहीं है किसी कागज की, तो हमने यहां तक कह दिया प्रियंका गांधी जी ने, फोटो आप मुख्यमंत्री जी अपना लगा लो, बसें अंदर जाएगी, जाकर मजदूर छोड़ के वापस आ जाएगी, किराए की बसें आप हमको हैंड ओवर कर दो, वो तो इतनी सीधी है हैंड ओवर लीगली नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी कह दिया ले लो, वो तो हैंड ओवर के लिए उनको उनको लगा कि जैसी बसें आ गई, वो भी क्या महान है, वो यूपी वाले ले ही नहीं सकते, हम दे नहीं सकते प्राइवेट बसें, वो लेने को तैयार नहीं हुई सरकार भी, ये भी तैयार हो गई कांग्रेस पार्टी, हम दे देते हैं इनको हैंड ओवर कर देते हैं, हैंड ओवर हम कर नहीं सकते लेकिन हमने हाँ भी कर दी, वो लेने को तैयार नहीं हुई, ऐसा लगा जैसे कोई पता नहीं बस ऐसी चली जाएगी, वहां कांग्रेस का झंडा नहीं है उसके ऊपर कुछ नहीं है, ड्राइवर लेके जाता कार्यकर्ता भी नहीं है कांग्रेस के, तो सड़क पे चलते हो मजदूर बहुत जल्द, लेकिन ये जो आपकी बात राजनीति की बीजेपी की कोरोना संकट के समय में फूल खुल गई, बीजेपी को सिर्फ वोट से और अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, इसके अलावा बीजेपी को ना कोई मजदूर से मतलब है, ना कोई मौत से मतलब है, ना नंगे पांव चलने वाले मजदूर से मतलब है, ना भूख से मतलब है, ना परेशानी से मतलब है, ना भारत से मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है, बीजेपी का पहली बार बीजेपी को ने बीजेपी की केंद्र सरकार के समय इतना बड़ा संकट आया है, पर पहली बार इतना बड़ा जब संकट आया तब केंद्र सरकार की और भाजपा सरकारों की बोल खुल गई कि इनके ना दिल है, इनमें संवेदनशीलता तो है ही नहीं, ना इनमें दया है, ना धर्म है, ना इनका कानून के इनमें कानून का सम्मान करने की आदत है, एक भी काम इन्होंने ढंग का किया तो मुझे बता दो, सब काम उल्टे किए बीजेपी के लोगों ने, इसलिए इनकी पोल खुल गई और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए।